एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, आद पुरख परमेश्वर, तू ज्योति निरंकार, सब में तेरा चानना, सब में तेरा उजियार, जो दुनिया में खप रहे फिरेंगे होके ख्वार, अंतकाल शर्माएंगे साहिब के दरबार, खड़े गगन में देवता, खुला धर्म का द्वार, पहुंचने वाले पहुंच गए भव सागर के पार। आज हम बात कर रहे हैं पुनर्जन्म की, जिनके दोबारा जन्म हुए हैं और वो मौजूद भी हैं और उनको वो याद भी हैं। तो हमारे साथ में हैं, आपका गांव कौन सा है जी? भारेरी। मेरा गांव भारेरी है जी, भारेरी भारेरी, ये जिला अलीगढ़ में आता जिला है, अलीगढ़ में खैर तहसील। खैर तहसील है। और आपने नाम क्या बताया था अपना? मैंने पप्पू नाम बताया जी। पप्पू नाम है आपका। तो इस समय आपके कितने बच्चे हैं? मैंने शादी नहीं की जी इस जन्म शादी में, नहीं की? क्यों? नहीं एक ही नहीं है। अच्छा, तो माता पिता हैं अभी? अच्छा, माता पिता गुजर चुके। हाँ गुजर गए। भाई भाभी वगैरह? भाई हैं, पांच भाई हैं हम। अच्छा, पांच हाँ भाई। तीन भाई मुझसे बड़े हैं और अच्छा, एक मैं उससे, तीनों से छोटा हूँ, एक मुझसे छोटा जी। तो इस समय आप किस परिवार में हैं? है। हम जाट तिब्बतिया आए जी। अच्छा। और पिछला जन्म जो आपको हुआ था किस गांव में हुआ वो था? खेड़ा सत्तू पास में ही गांव है, कितनी दूर है वहां से? 1 किलोमीटर दूरी है। अच्छा, 1 किलोमीटर। वहां किस परिवार में जन्म वहां था? परिवार में जाटवों के यहाँ जन्म लिया था। अच्छा, जाटव परिवार में। तो हाँ आपको ध्यान है वहां क्या नाम था आपका? ध्यान नहीं था मगर भूल गया मैं। मेरे अच्छा, माता भूल। पिता ने बुला दिया, आंटे घंटे ने क्या क्या किए अच्छा। उन्होंने सब कुछ बुला दिया। तो वहां पे कितने भाई बहन थे, आपको ध्यान है कुछ? मुझे ये ध्यान है, माँ और बाप थे, एक मैं था, एक शादी मेरी हुई थी, दो बच्चे अच्छा थे मेरे पे अच्छा और एक छोटा भाई और था। तो आपको ये भी ध्यान है कि आपकी मृत्यु किस तरह से हुई थी? ना ना महाराज जी, मृत्यु की मुझे मालूम नहीं। याद नहीं है। अच्छा, या जैसे दो जन्मों के बीच में आत्मा परलोक में भी जाती है, उसका कुछ ध्यान है, कहीं गई हो? तो जो पिछले जन्म के आपके परिवार के हैं, उनसे आप मिले हैं? हाँ मिले थे, हमारी माँ आई थी, वो पुरानी थी जो अच्छा, पिछले जन्म की थी, जी। वो जेवरी का काम, रस्सी बनाने का काम करती थी। हमारे पास में ही नहर है, वहाँ झुंड मुंड काट करके ले जाती थी, तो हम रो करके उसके पीछे भागते थे। अच्छा, आप पहचान लिया था हाँ आपने पहचान कि लेते थे। ये माँ है मेरी? हाँ तो सब लोग कहते थे कि ये क्या कर रहा है तू, ये नहीं है ये नहीं है। मैं हाँ, कहता था कल मैं इसी के साथ जाऊंगा, ये मेरी माँ है। तो फिर आप उनके घर गए कभी? नहीं गांव तो पास में है मगर वो जाने कहाँ देते थे, न किसी को बताने देते थे। अच्छा, जो इस समय के हाँ परिवार के लोग थे, हाँ उन्होंने दबा के रखा दबा के रखा, वो और मैं बताने? भागता था उनके पीछे, काफी दूर तक भागता था, किसी दिन तो नहर तक पहुंच जाता था उनके साथ अच्छा। साथ। तो वो माता जो थी वो पहचानती थी कि मेरा बच्चा है ये? माताजी पहले वाली क्या पहचानेगी, वो नहीं तो तो छोटा सा ही तो बच्चा हूँ उनके सामने उनको छोड़ा। कुछ एहसास नहीं होता था कि मुझे माँ माँ कह रहा है तो क्या बात अब है? वो जाने उनको क्या होता है या नहीं होता होगा, वो तो वो जानती थी, मगर मैं उनसे माई कह के बोलता था। हाँ, मेरी पत्नी भी साथ में जाती थी, मैं उनसे कहता था ये मेरी पत्नी है, तो वो हंसती थी, अच्छा, ये छोटा हंसती थी, छोटा सा छोटा बच्चा बच्चा, पत्नी ये बता पत्नी रही। बता रहा है, इसको माँ बता रहा है। हाँ, तो वो विश्वास नहीं करते होंगे, हाँ तो उन्होंने पूछा नहीं आपसे कि हम तेरी पत्नी कैसे हैं मैंने और क्या? बताया था मैं मर गया था, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है। तो यकीन नहीं किया उन्होंने? यकीन किया हो या न किया हो मुझसे बात नहीं हुई फिर। वो अच्छा, परिवार वाले, अब छोटे बच्चों को कौन जाने देता नहीं, है। जैसे जैसे आप बड़े हुए तो फिर हाँ भी आपको कुछ समय तक तो याद ठीक से रहा हाँ होगा? कुछ समय तक तो महाराज जी याद रहा हमको खूब। हाँ। फिर हमारी दादी थी, माँ थी,
उन्होंने मिलजुल करके या चक्की वक्की के आटे पीसने वाली होती है उस पर बैठा उल्टा घुमाओ, कभी सीधा घुमा, कभी अंटघंट करके उसको सबको बुला दिया। फिर बाद में बड़ा हो गया काफी, जब फिर हमारी दादी बताती थी चल चल यहाँ से भाग जा, तू जाटव के यहाँ, तू चमार के यहाँ जन्म लिया था। अच्छा, वहां तेरा जन्म। हाँ, तू चल चल, तू जाट नहीं है। वो गुस्से में कहती हूँ ना, ना प्यार से कहती थी, चिढ़ाने के लिए, चिढ़ाने के लिए खिलाती थी। अच्छा अच्छा हाँ, तो इस जन्म में आपने विवाह क्यों नहीं किया महाराज? किया नहीं, कुछ संस्कार, कुछ संस्कार ऐसे हो सकता है परमात्मा की ननिगाह हो। मैं साधु संतों में भी अब बैठता हूँ। अच्छा, साधु संतों से प्रेम रहा? हाँ, प्रेम रखता हूँ महाराज जी। यहाँ रामायण होती है, चौपाई कानों में आती है, तो मेरा मन करता है कि दो चार चौपाई जा करके बोलूं। अच्छा, कुछ याद है चौपाई एक दो आपको हो तो आप बताइए। हाँ, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन जाई, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुमने क्या देखी सीता मृगनेनी। बहुत सी है जैसे चलती आए झाड़ पे आ जाए, मगर इनमें किसान के पास में जाकर के कहां सब कुछ भूल जाते नहीं। ये तो अपनी रुचि की बात होती है, याद करने वाला। देखिए, हमारी तरफ एक किसान थे और वो पढ़े लिखे भी ज्यादा नहीं थे। उन्होंने मुश्किल से छठी क्लास की होगी और उन्होंने पूरी गीता याद कर रखी थी संस्कृत में और हिंदी में, जबकि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो ये आदमी के शौक की बात होती है, और उनका नाम हमने गीतानंद रख दिया था। तो ये गीता पढ़ने वाले, हाँ, तो हमारे मन में भी आया कि हम भी या तो गीता याद करें। फिर हमने सोचा नहीं, गीता तो बाद का ग्रंथ है, हमारा मूल ग्रंथ वेद है, हमें वेद याद करना चाहिए। तो काफी वेदों के मंत्र हमने फिर याद किए और उसमें फिर हमारी रुचि भी बढ़ी, और फिर चारों वेदों का हमने भाष्य भी किया, और हमने अपने आश्रम में चारों वेदों का ईश्वर की कृपा से यज्ञ भी कराया। और अभी भी जो वर्तमान में यज्ञ चल रहा है ना, ये हमारा कल्प चल रहा है 40 दिन का, सवा महीने का व्रतों का, तो इसमें कठोपनिषद का प्रतिदिन यज्ञ हो रहा है। उसमें 120 मंत्र होते हैं, तो उनकी आहुति से वो चल रहा है, ये गुरु पूजा तक चलेगा। तो ये अपनी अपनी रुचि की बात होती है। कुछ लोग बहुत ज्यादा पढ़ जाते हैं लेकिन वो फिर भी अपने धर्म ग्रंथों की तरफ निगाह नहीं करते हैं जी। और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी रुचि बहुत होती है, तो वो चाहे ज्यादा पढ़े लिखे ना हो और उनमें वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं। तो पिछला जन्म आपका, आपको अच्छा लगा या ये जन्म अच्छा लगा? हम तो महाराज जी ये भी अच्छा लग रहा है, हम जाएंगे कहाँ? हम तो इसमें घुस हैं कि पीछे भी मनुष्य थे, और आप भी। अब ये जनता भूलती है तो हमें इसको मिथ्या कर देता हूँ कि आप गलत कह रहे हो, 84 योनि भोगनी पड़ती है, गंदे कर्म करोगे तो 84 में जाना पड़ेगा, भोगनी पड़ेंगे, और अच्छा कर्म करोगे तो हमको नहीं जाना पड़ेगा। चूंकि हमको पिछले पुनर्जन्म की याद है, तो पीछे भी ऐसा कोई कार्य किया कि हम तुरंत मनुष्य का, बिल्कुल मनुष्य बन गए, मनुष्य बन गए। और साधु, एक साधु मुझसे चिढ़ गया था, क्यों? फरीदाबाद में किस वजह से? वैसे ही बैठे थे, किसी महात्मा ने कुछ ऐसे करके उससे कर दिया, उसने जाना कि इसने जाट नहीं कर दिया। वो कहने लगा मैं तुझे शराब दे रहा हूँ, कजा 7 जन्म तक तू ऐसा ही रहेगा। मैंने कहा आसमान भाव। उन्होंने बोला, मैंने ऐसे हाथ करके आसमान भाव, महाराज जी आपने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है, 7 जन्म तक मुझे इंसान का जन्म तो मिलेगा। मैं इस बात में खुश हूँ, आपने शराब तो दिया पर ये तो वरदान हो गया। हाँ, ये वरदान कि मुझे मनुष्य का जन्म मिलेगा। हाँ, और इसमें ईश्वर की भक्ति भी मिलेगी। भक्ति, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और कोई बात आपको ध्यान में आ रही हो तो? न महाराज, और मुझे कोई ध्यान में नहीं आ रही है। अच्छा। जैसे चलती हैं, अब तो काफी उम्र हो गई, 50 साल की लगभग। हाँ। तो हो ही गए। हाँ जी, तो देखिए, ये पिछले जन्म का ये वृतांत है, जिनको कि अपना पिछला जन्म याद है, और हमें भी अपने कई पिछले जन्म याद हैं, और हमने समय समय पे बताए दिए हैं। तो इन चीजों से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हम
दुष्कर्म ना करें, पाप कर्म ना करें, दूसरों को पीड़ा ना पहुंचाए। सबसे बड़ा धर्म है दूसरों की सेवा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना। और सबसे बड़ा पाप ये कहा गया है कि हम दूसरों को कष्ट पहुंचाने की तैयारी करें, ऐसा कभी सोचना भी नहीं चाहिए। शुभमस्तु, शुभमस्तु। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा।